आज हम चर्चा करते हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु को हम अपनी सोच में भी बार बार टाल देते हैं। मृत्यु के बारे में हम बात ही करना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत भयभीत हैं मृत्यु से। हमें मृत्यु से डर इसलिए लगता है कि हमने अच्छे से ठीक से जीवन जिया ही नहीं। हमने अपने जीवन को पूर्ण रूप से होश पूर्वक जिया होता तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। हमें निरंतरता चाहिए। हमने जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है, वहाँ हमें इस जीवन के बाद अगले जीवन में भी चाहिए। निरंतरता चाहना ही मृत्यु का भय है। हम ये सब छोड़ने को राजी हो जाए तो हमें मृत्यु का भय भी नहीं होगा। हम अपने विचार से बंधे हुए हैं। हमने अपने विचारों में खुद को बहुत कुछ मान कर रखा है। मैं परिवार की ऐसी एक सदस्य हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक अच्छे और दयालु इंसान हूँ, मेरा मान सम्मान है, या तो मैं अच्छे इंसान नहीं हूँ, बुरे इंसान हूँ। इसी में ही चिपकने के कारण हम जीवन को जानते ही नहीं। यहाँ जो भी इकट्ठा हुआ है, वहाँ सब चीजों को हम छोड़ते जाएंगे तो बचेगा क्या? बचेगा कुछ नहीं, सब खाली। इतना हम छोड़ने को राजी हो जाए, इतना हम खाली होने को राजी हो जाए, इसे ही मृत्यु कहते हैं। इसे हर रोज मर जाना कहते हैं। हम निरंतरता को छोड़ नहीं सकते, इसीलिए ही हमें मृत्यु से भय लगता है। इतना हमने छोड़ने का हिम्मत दिखा पाए तो हम मृत्यु से परे की जान सकते हैं, अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव हम जो निरंतरता की चाहत के साथ साथ कभी नहीं कर सकेंगे। यहाँ सब जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, पकड़ के रखे हुए है, वहाँ तो मृत्यु के साथ साथ आपके चाहने से या ना चाहने से जाएगा ही, बचेगा कुछ नहीं। इसीलिए मरने से पहले मर जाइए। जो भी इकट्ठा किया हुआ है, उसे छोड़ दीजिए। निरंतरता की चाह को हटा दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वहाँ सब जाने ही वाला है। पुनर्जन्म की बात तो हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए ही करते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म को भी हमने खुद नहीं जाना हुआ है, किसी और से ही सुना हुआ है। हमें निरंतरता चाहिए होता है, इसलिए हम पुनर्जन्म को पकड़ लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं। जाना हमने कुछ नहीं है, बस ऐसे ही विश्वास कर लिया, क्योंकि हमें चाहिए निरंतरता, क्योंकि हमने जीवन पूर्णता से जिया ही नहीं। हम रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास, अनेक प्रकार की संस्कारों नियमों में फंसे हुए हैं। हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत आनंद आया ही नहीं, जहां से हम तृप्त हो जाए। इसीलिए अभी तक हमने जो भी इकट्ठा किया है, जो भी पाया जैसा लगता है, उसे संभाल के रखना चाहते हैं, और जो हमारे कल्पनाओं में तो है, पर वैसा जीवन हमने जिया ही नहीं, और आगे जीवन में हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ भी छोड़ने को राजी नहीं है, और भी कुछ पाने का इच्छा है। हम चाहते हैं निरंतरता बनी रहे, यही है मृत्यु का भय।
यदि हम नित्य मरने को राजी हो जाए, जो भी हमने जाना है, पाया है, सीखा है, सब छोड़ने को नित्य राजी हो जाए, नित्य नया हो जाए, निरंतरता ना चाहे, तो धीरे धीरे हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु को समझ जाएंगे, मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे।